विधायक प्रवीण दटके हमारे साथ हैं। आज का जो है सर शीत सत्र का आखिरी दिन है, 2023 के शीत सत्र ने विदर्भ को खासकर क्या दिया है और किसानों को? विदर्भातलं अधिवेशन आहे आणि निश्चित विदर्भाला न्याय मिळेल असा विश्वास आहे। संत्र्याचा विषय असेल, निर्यात बंदीचा विषय होता, मान्य मोहन मतेंनी तो उचलला, तो एक विषय आहे। धान असेल, कापूस असेल, तूर असेल, सोयाबीन असेल, याचे मुद्दे आहेत। विदर्भातलं पर्यटन असेल, वनपर्यटन असेल, वनपर्यटन महाग होत आहे, ते स्वस्त करण्याची विनंती आत्ता सभागृहात सुधीरभाऊ समोर झाली आहे। विदर्भातला उद्योग असेल, विदर्भात CNG LNG गॅस निर्मितीचे प्रकल्प असतील, धानापासनं इथेनॉलचा प्रकल्प असतील, या सगळ्या विषयांचं हे आहे। अमरावती असेल, तिथे मोठं वस्त्रोद्योग पार्क होणार आहे, नागपूरच्या मिहानला अधिक गती देण्याचा विषय असेल। हे सगळे मुद्दे सभागृहात आता विदर्भावर चर्चा सुरू आहे आणि निश्चित माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडनं किंवा पूर्ण कॅबिनेटकडनं विदर्भाच्या जनतेला, बेरोजगार तरुणांना, उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना, विदर्भातील सर्व समाज घटकांना योग्य तो न्याय मिळेल असा मला विश्वास आहे। जिस तरह से आपने कहा अभी कि जो है सदन में संतरा हो, तुवर हो, धान, इन सभी मुद्दों को उठाया गया, लेकिन अभी अभी विधायक बच्चू कड़ू इन्होंने कहा है कि संतरा तुवर जैसे मुद्दों को सदन में नहीं उठाया गया या चर्चा नहीं हुई। माननीय मोहन मते जी ने विधानसभा में संतरा निर्यात पर विषय रखा है, अभी प्रवीण दरेकर जी ने रखा, अभी भी विदर्भ पे चर्चा चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री इसका उत्तर देने वाले हैं और मुझे निश्चित आशा है कि इस पे विदर्भ में न्याय मिलेगा। तो कई मुद्दों को लेकर जो है सरकार चर्चा कर रही है विदर्भ के मुद्दों को लेकर, और कई मुद्दों को जो है सरकार ने हल किया है। सकारात्मक भूमिका सरकार की विदर्भ के मुद्दों को लेकर है, ऐसा प्रवीण दटके का कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षिति जयदेशमुख, BCN News, नागपुर।